हे गाइस, हाय, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल सारू सेंपाई। मुझे उम्मीद आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, टाइटल देख के आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ बेबी हक के एडवांस डायपर पैंट्स को, जो मैं अपने बेबी के लिए यूज कर रही हूँ। तो जो ये रिव्यू है ना, एकदम ऑनेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से अपने बेबी के लिए यही वाले डायपर्स यूज कर रही हूँ। मेरा जो बेबी बॉय है वो 6 मंथ प्लस हो गया है यूविक, एंड जब से वो बोर्न हुआ है मैं बेबी हक के एडवांस डायपर पैंट्स उसके लिए यूज कर रही हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम से लेकर के, यह मेरा एल वाला परचेज है, मीडियम के बाद नेक्स्ट एल। फर्स्ट टाइम मैंने एल साइज उसके लिए लिया, अभी वो 7 मंथ में चल रहा है। सारे ही परचेज मैंने इसी डायपर के किए, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली इसको रिव्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह की पैकेजिंग में आता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा पैक जो रिसेंटली मैंने लिया है, इससे पहले मैं मीडियम साइज उसके लिए यूज कर रही थी, अभी मैंने यहाँ पे एल साइज मंगाया है। तो इस तरह की पैकेजिंग आप देखो, कितनी प्यारी पैकेजिंग है। तो ये पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करके देते हैं, तो मुझे इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगती है। एंड इसमें जो बाहर आप देखेंगे मेंशन कर रखा है कि एल साइज का जो डायपर है उसमें 9 to 14 kg तक ये वेट होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा बेबी 7 मंथ का है, तो उसका वेट भी ठीक ही है। तो मैंने अभी थोड़ा सा लूज रहे, मतलब मेरे पास अभी रखे हुए मीडियम साइज के, थोड़ा टाइम वो यूज करूंगी, नेक्स्ट में ये वाला यूज करने वाली, ठीक है। और ये वाला डायपर बाकी डायपर से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से स्पेशल है, वो मैं सारी चीजें आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे मेन जो इस डायपर का है, ये 24 आवर्स तक ड्राइनेस रखता है, जो कि एकदम सही क्लेम करता है। बच्चे को जब हम डायपर पहना के रात में सुलाते हैं, तो ज्यादातर डायपर्स हेवी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हेवी होने की वजह से, यूरिन और सूसू की वजह से हमें मिड नाइट के डायपर चेंज करना पड़ जाता है, जिससे बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। सबसे अच्छा सोल्यूशन है इस डायपर को यूज करने के बाद, आपको मिड नाइट तक डायपर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पूरे 12 घंटे ड्राइनेस रखता है, तो ये एकदम सही क्लेम करता है, क्योंकि मैं 10 बजे के आसपास उसको डायपर लगाती हूँ। सुबह वो 8 बजे तक भी सो रहा है, तो भी मुझे रात में डायपर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डायपर इसका दिखता है कैसे। तो यहाँ पे एक डायपर मैंने उसको लगा के भी देखा, साइज एकदम सही आया, बट अभी मेरे पास मीडियम रखा है तो मैं वही पहना रही। तो ये डायपर इस तरह से कुछ दिखता है, इस तरह से कुछ दिखता है डायपर। एंड प्रिंट इसका बहुत ही ज्यादा क्यूट है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा एल साइज है, और प्रिंट इसका देखो जिस तरह से ये स्टार मूव्स बने हैं, सुपर क्यूट है इसका प्रिंट है। वेस्ट बैंड की अगर बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है ये, एकदम वेस्ट में जाके एकदम से फिट हो जाता है। और साइड में जो इसके है वो 3D लीक लॉक लगा हुआ, उससे क्या होता है कि लीकेज भी नहीं होता है बेबी को। और बहुत ही ज्यादा इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कॉटनी सॉफ्ट है, जिससे बच्चे को स्किन पे बिल्कुल भी रैश नहीं होते हैं। रैश फ्री डायपर है, आपके बच्चे के रैश नहीं होंगे। ज्यादातर तो लोग बोलते हैं कि डायपर ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, रैश हो जाती, बट मैं 24/7 डायपर में रखती हूँ बेबी को, बिल्कुल भी रैश नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायपर रैश फ्री डायपर है। एंड सबसे इसकी जो और भी स्पेशल बात है वो है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है। ज्यादातर डायपर्स में ना फ्रेग्रेंस आते हैं तरह तरह के, बट ये फ्रेग्रेंस फ्री है। डायपर्स में तो स्मेल आती है, तरह तरह की अलग अलग तरह की स्मेल आती है, आपने देखा होगा, वो फ्रेग्रेंस उसमें रहती है, बट ये फ्रेग्रेंस फ्री है, जो कि काफी इसका स्पेशल फीचर है। एंड इसका जो वेस्ट बैंड है काफी स्ट्रेचेबल है, साइड से भी इसका 3D लॉक है, जिससे लीकेज नहीं होता है। अब हम देखते हैं अंदर से किस तरह से बना हुआ। तो ये जो अंदर से जो है ना, इसमें जो है सबसे मेन तो ये हनीकॉम जो टेक्नोलॉजी उसको यूज किया गया है इसको यहाँ से बनाने के लिए। हनीकॉम टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से क्या होता है कि जो सूसू बच्चा करता है वो एक जगह पर इकट्ठा कलेक्ट नहीं होता है, वो स्प्रेड हो जाता है। मतलब उसका सूसू, उसका जो यूरिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे में ही, यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा। उससे क्या होता है कि हेवीनेस नहीं आती है डायपर में। आपका जो बच्चा डायपर जो है 2 से 3 बार सूसू कर देगा, तो उसको ये जो हनीकॉम जो टेक्नोलॉजी है वो उस सूसू को साइड्स में डाउन साइड लेके जाएगी, उससे वो वहां पे जाके उसको ड्राई कर देंगे, और बच्चे को जो डायपर है बिल्कुल लाइट रहेगा, हेवी नहीं रहेगा। तो ये इसकी स्पेशल जो है ना इसका फीचर वो है। और प्लस उसके अलावा इसमें एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा वाला जो इसमें यूज किया गया, उससे बच्चे की जो स्किन है मॉइस्चर रहती है। तो ये बहुत स्पेशल फीचर्स है इसके, जो कि बाकी डायपर्स में नहीं होते। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन एंड आई एम कंटिन्यूइंग, क्योंकि अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और इसी को मैं यूज करने वाली हूँ। और ये हाईली रिकमेंडेड डायपर है, मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ। अगर आप भी डायपर्स देख रहे हैं कुछ अच्छा सा अपनी बेबी के लिए, आपको भी मिड नाइट डायपर चेंज करना पड़ता है, तो दिस इज बेस्ट फॉर यू, आप ये वाला डायपर यूज करें, आप स्विच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इस वाले पैकेजिंग की, तो आप इसके बैक साइड में देखेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है।
तो मैंने जो ये डायपर है ये मैंने firstcry.com से लिया है, ऑनलाइन ही लिया है firstcry की एप्लीकेशन से। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। और जब भी आप ले, बैक साइड में आप देखोगे इस तरह से पिक्चर इमेज है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डायपर की मिल जाएगी। इजीली आपके लिए इजी हो जाएगा समझना डायपर के बारे में। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो वहां पे भी इस तरह की इमेज आपको बैक साइड की रहेगी, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो ये एप्लीकेशन से लिया है। और इसका जो डायपर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप www.firstcry.com से भी ले सकते हो। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड है आपके फोन में तो वहां से भी ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, और बहुत सारे इसमें आपको जो काउंट है कम ज्यादा भी मिल जाएगा। आप छोटा पैक भी ले सकते हैं, बड़ा पैक भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो ये वाला डायपर हाईली रिकमेंडेड डायपर, आप बाय कीजिए और आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी क्वेश्चन होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसके अलावा चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप डायपर ले तो मेरा कूपन कोड यूज करने से आपको फ्लैट 60% डायपर्स पे, फ्लैट 50% फैशन पे, 45% आपको एवरीथिंग एल्स पे डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ, आप मेरा डिस्काउंट कूपन यूज करके फ्लैट बेबी एक के जो डायपर्स उनको 60% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये सबसे स्पेशल बात है जो मैं आपको एंड में बता रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा होगा कि इस वीडियो में हमको कूपन कोड भी मिला जिसको यूज करके हम फ्लैट 60% डायपर्स पे डिस्काउंट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।